हम आ चुके हैं डांग जिले में, जो कि गुजरात का सबसे दक्षिण का जिला है और ये महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। डांग इसका नाम पड़ा क्योंकि दंडकारण्य का क्षेत्र था जब प्रभु रामचंद्र जी यहाँ आए थे। प्रभु रामचंद्र जी कैसे यहाँ पर आए थे इसके बारे में यहाँ आप सबको पता है कि जब सीता माता का हरण राम ने किया था तब वो भटकते हुए दंडकारण्य आए थे और दंडकारण्य में सभी माता से भेंट हुई थी। सभी माता और रामचंद्र जी की जो वेद की कहानी आप सबको पता है, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि सभी माता से रामचंद्र की मुलाकात क्यों हुई, क्योंकि सभी माता हमेशा प्रभु राम की ही चरणों में रहती थी और उनको राम राम बोलते रहती थी। तो यहाँ जो तपस्या कर रहे थे मातंग ऋषि, उन्होंने कहा था कि एक दिन आपको, उन्होंने एक तरह से उनको वरदान दिया था कि प्रभु की आपकी मुलाकात होगी। और ऐसा ही हुआ, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ होते हुए उनके झोपड़ी पे पहुँचे और झोपड़ी में जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सबरी जो है वो राम राम को उच्चारण कर रही हैं। तो वहाँ पहुँचते ही सबरी माता भाव विभोर हो जाती है और मातंग ऋषि ने कहा था कि आपसे प्रभु राम की भेंट होगी। तो ऐसी भेंट हुई भी और यह मैं आपको शिला पर दिखा रहा हूँ। शिला जो पत्थर का वो क्षेत्र है जहाँ पे आप देख सकते हैं सबरी ने राम राम, यह वो क्षेत्र है जहाँ आप देखेंगे कि चारों तरफ पेड़ का अभी भी बहुत सारे पौधे, हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी यह वो क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र जो चारों तरफ से जो पहले मैंने दिखाया था, रात के वक्त में चमक होती है, लेकिन इसको डुंगरी चमक, चमक डुंगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि प्रभु रामचंद्र की यह महिमा है। और यह सही भी है कि नाइट के वक्त में जब आप यहाँ स्टे करेंगे तो आप एक अलग सी ही अनुभूति और चमक थोड़ी सी आपको दिखेगी, बहुत चमक नहीं दिखेगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइट की तरह चमक इसमें दिखती है। और इसकी इतनी ज़्यादा महिमा है कि यहाँ पर लोग आते हैं, हर दशहरा को बड़ा मेला लगता है, कई यहाँ पर प्रसन्न हो चुके हैं। और यह सभी धाम का वो क्षेत्र है जिसके सामने बिल्कुल देखेंगे कि चूँकि हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, हनुमान जी की मूर्ति जो बिल्कुल राम जी के समय बिल्कुल सामने है। और जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि सीता माता नहीं है, यानी सीता माता के हरण के बाद प्रभु राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर पहुँचे थे और सभी माता ने उन्हें बेर खिलाया था। साथ में यह जानना जरूरी है कि प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा था सबरी से कि सीता माँ के बारे में कुछ जानकारी आपको है या कुछ ज्ञात है तो बताइए। तो सभी माता ने कहा था कि आप तो अंतर्यात्मा हैं और आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन सभी माता ने उनको दिशा का सूचन दिया था, दिशा का बताया था कि एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे हनुमान और सुग्रीव मिलेंगे जो आपको माता सीता को खोजने में मदद करेंगे। और ऐसा हुआ भी कि माता सबरी के जो दिशा बताए गए थे जो कि महाराष्ट्र की तरफ था, दंडकारण्य का दूसरा क्षेत्र, जब वहाँ से वो निकलते हैं तो फिर सुग्रीव और हनुमान जी से मुलाकात होती है जो कि प्रभु राम को खोजने में मदद करती है। तो यह वो काफ़ी पवित्र धाम है जहाँ की यात्रा आप सब कर सकते हैं। और यह क्योंकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत दूर है, क्योंकि सूरत से भी आएंगे तो लगभग 3 घंटे लगेंगे, मुंबई से लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे और बाई रोड आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और यह जो सभी धाम है जहाँ इस गांव और इस ब्लॉक का नाम जो है उस वीरपराण है सबरी माता के नाम पर, काफ़ी पवित्र स्थान है। यहाँ आने के बाद ही एक बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर शांत और शीतलता प्रदान है। बिल्कुल यहाँ वेदर जो है मंदिर काफ़ी इंटेलिजेंट है और कहा जाता है कि शीतल है यह हमारे क्षेत्र, क्योंकि बाहर जैसे हम जाएंगे इस मंदिर से बाहर और 500 मीटर के बाद तो काफ़ी गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन यहाँ से शीतलता बहुत है। मौका लगे तो आप ज़रूर अपने परिवार के साथ आइए। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको अपने कल्चर के बारे में जानकारी होगी और पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।